हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कांदा भजिया की रेसिपी। बारिश के मौसम में हम सभी को कांदा भजिया खाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 4 कांदे यूज़ किए हैं। इसको मैं बारीक स्लाइस में कट करूँगी। बिल्कुल ऐसे ही आपको कट करना है इसको, बिल्कुल इतने ही पतले स्लाइसेस करने हैं हमें इसके। इसी तरह से यहाँ पर मैंने चारों कांदों को स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको हम बोल में ट्रांसफ़र करके इसके लच्छों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1/4 इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 कप बेसन का आटा। बेसन के आटे को हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। बेसन के आटे को हमें एक साथ नहीं डालना है, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन का आटा मिलाते जाना है और मिक्स करते रहना है। हम फिर से बेसन का आटा डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर हम सारा एक साथ डालेंगे तो हमें मिक्स करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसमें बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें 2 हरी मिर्चियाँ जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसको हम फिर से मिक्स करेंगे। यह हमारा बैटर रेडी हो चुका है तलने के लिए। मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है और फ्लेम को हम मीडियम रख के बैटर को बिना शेप किए हुए हम इसको ऐड करते जाएंगे हमारे तेल में। बिल्कुल ऐसे ही हमें बिना शेप करते हुए इसको ऐड करते जाना है और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जैसे हमें बाजारों में मिलता है बिल्कुल वैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे। हमारे भजियों को बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इस पॉइंट पे हम इसे तेल से निकाल देंगे और इसे हम सर्व करेंगे इमली के खट्टे मीठे चटनी के साथ।